हेलो गाइस, आई एम डाइटिशियन अमृता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अमेजिंग सी स्मूदी की रेसिपी लेकर आई हूं, जो आपको बहुत सारा वेट लॉस देगी, बहुत सारा इंच लॉस देगी, कम्प्लीटली आपकी बेली फैट को कट डाउन करेगी और आपको बहुत ही अमेजिंग इंच लॉस देने वाली है ये स्मूदी। आप इसे इजिली अपने ब्रेकफास्ट के टाइम पे ले सकते हो और बहुत इजी टू मेक है, फटाफट बनने वाली है ये स्मूदी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं अपने क्लाइंट्स की डाइट में इस स्मूदी को बहुत ज्यादा इंक्लूड करती हूँ और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स उनको मिलते हैं इस स्मूदी से। तो आज मैं आपके सामने कोकोनट एप्पल स्मूदी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत सारा आपको वेट लॉस देने वाली है, इंच लॉस देने वाली है, अमेजिंग फॉर योर वेट लॉस जर्नी। इस स्मूदी के न्यूट्रिएंट कंटेंट्स बहुत ज्यादा हाई है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स, विटामिंस, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड इट्स प्रोटीन रिच, फाइबर रिच, तो बहुत ही सुपर है ये स्मूदी। जिन जिन लोगों को थायराइड है, वो सारे लोग इस रेसिपी को, इस स्मूदी को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। इट इज रिच इन फाइबर, इट इज रिच इन प्रोटीन, और सबसे मजेदार बात ये है कि इस स्मूदी में सेलेनियम बहुत ही अच्छे अमाउंट में पाया जाता है, क्योंकि इसमें कोकोनट भी है एंड कोकोनट बहुत ही अमेजिंग है थायराइड पेशेंट्स के लिए। जिन जिन लड़कियों को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जो भी लड़कियां हार्मोनल इंबैलेंस की परेशानी से सफर कर रही है, वो सारी लड़कियां इस स्मूदी को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगी, उनको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। जिन जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की इशू है, वो सारे लोग इस स्मूदी की रेसिपी को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। एज इट इज रिच इन फाइबर, फाइबर में बहुत ज्यादा रिच होने की वजह से ये आपकी कॉन्स्टिपेशन की इशू को कम्प्लीटली कट डाउन करेगा। जिन जिन लोगों को गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग ये सारी समस्या है, वो सारे लोग इस रेसिपी को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, बहुत ही अमेजिंग है उनकी गट के लिए। जिन जिन लोगों को हेयर फॉल की समस्या है, बहुत ज्यादा उनका हेयर फॉल हो रहा है, वो सारे लोग इस स्मूदी की रेसिपी को अपनी डाइट में इंक्लूड करो। हेयर फॉल कंप्लीटली चला जाएगा, हेयर में रीग्रोथ लाएगा, शाइन लाएगा, लश्चर लाएगा। जिन जिन लोगों को पिगमेंटेशन की इश्यूज है, वो सारे लोग इस रेसिपी को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। जो लोग कहते हैं ना एक्ने और स्कार से सफर कर रहे हैं, वो सारे लोग भी इस रेसिपी को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। फेस पे एक बहुत ही अमेजिंग सी चमक लेके आएगी ये स्मूदी, बहुत ही सुपर्ब सा एक ग्लो लेकर आएगा ये स्मूदी आपके फेस पे। जिन जिन लोगों को एनीमिया की परेशानी है, खासकर जिन्हें हमेशा वीकनेस बनी रहती है, वो सारे लोग इस स्मूदी की रेसिपी को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, उन्हें बहुत ही सुपर रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिन जिन लोगों की मेटाबॉलिज्म वीक है, जिन जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है, वो सारे लोग इस स्मूदी की रेसिपी को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। जो लोग कोलेस्ट्रॉल की परेशानी से सफर कर रहे हैं, जो लोग हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल से सफर कर रहे हैं, वो सारे लोग इस स्मूदी की रेसिपी को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। जो लोग डायबिटिक हैं, वो भी इस स्मूदी की रेसिपी को अपनी डाइट में इजिली इंक्लूड कर सकते हैं। जो लोग हार्ट हेल्थ से सफर कर रहे हैं, वो सारे लोग इस स्मूदी की रेसिपी को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। एज इट इज रिच इन प्रोटीन, एज इट इज रिच इन फाइबर, लोडेड विद लॉट्स ऑफ मिनरल्स, विटामिंस, एंटीऑक्सीडेंट्स, तो सुपर फॉर योर वेट लॉस जर्नी। आपकी क्रेविंग्स को होल्ड करके रखता है, आपको बहुत टाइम तक फुलफिल कराता है, आपके हंगर पैंग्स कंट्रोल में रहते हैं। साथ ही साथ इसके न्यूट्रिएंट कंटेंट्स इतने हाई हैं कि आपको वीकनेस नहीं आने देता, जैसा मैंने बोला। तो इट इज सुपर फॉर योर वेट लॉस जर्नी एंड फॉर योर इंच लॉस। तो चलिए फटाफट चलते हैं किचन में और बनाते हैं अपनी अमेजिंग सी कोकोनट एप्पल स्मूदी। मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडिंग जार ले लिया है और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी कोकोनट एप्पल स्मूदी। कोकोनट एप्पल स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले मैं डालूंगी रोस्टेड ओट्स, और ये 2 चम्मच ओट्स है जिसे मैंने बहुत ही अच्छे से रोस्ट कर लिया था। 30 सेकेंड्स लगता है जस्ट इसे रोस्ट करने में। तो ये चला गया हमारा ओट्स। नेक्स्ट इज कोकोनट, 3 to 4 slices ऑफ कोकोनट इस्तेमाल करोगे, इतने बड़े बड़े, दैट्स इट। नेक्स्ट इज 1 apple, एंड एप्पल को मैंने चॉप कर लिया है, दैट्स इट। इस स्टेज पे मैं ऐड करूंगी 1 cup पानी। अब हम ढक्कन लगा देंगे, अपनी जार की लिड को लगा देंगे, एंड इट्स टाइम टू से ब्लेंड ब्लेंड एंड ब्लेंड। नाउ हियर आई एम रेडी विद अ ग्लास, मैंने ग्लास भी अपना रेडी कर लिया है और अब स्मूदी को पोर करते हैं। बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हो चुकी है, तो इट्स टाइम टू पोर इट। Here we go, here we go। बहुत ही क्रीमी एंड यमी सी हमारी स्मूदी बनकर रेडी हो चुकी है। हमारी कोकोनट एप्पल स्मूदी बनकर रेडी हो चुकी है। देख सकते हो कितना ज्यादा क्रीमी दिख रहा है, बहुत ही यमी है, बहुत ही डिलीशियस है एंड वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा सुपर्ब है। तो आप इस ड्रिंक को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो। डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। सी यू सून गाइस इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। टिल देन, चाचा, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।